इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या होती है। बैंक रिकंसिलिएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर दो टर्म यूज हो रही हैं। सबसे पहला है बैंक और दूसरा है रिकंसिलिएशन। तो बैंक का मतलब हो गया आपका बैंक अकाउंट, रिकंसिलिएशन का मतलब हो गया किसी एक फिगर ऑफ सेट को किसी दूसरे फिगर ऑफ सेट से मैच करना। तो पहला फिगर ऑफ सेट हो गया आपका बैंक अकाउंट, दूसरा फिगर ऑफ सेट हो गया आपकी अकाउंट्स बुक। यहाँ पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट से। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इसको बिजी के अंदर अनेबल करेंगे। हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन को ओपन करेंगे, अकाउंट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है बैंक रिकंसिलिएशन, इसके ऊपर टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन को जैसे हमने समझा कि हम अपनी बैंक अकाउंट से बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करेंगे, मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे अपने बैंक अकाउंट से उसकी हम एंट्रीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर करेंगे और दोनों बैलेंसेस को मैच करेंगे। सबसे पहले आप डेट देखेंगे कि किस डेट के लिए आप बैंक को रिकंसाइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैंक स्टेटमेंट 2/5/2021 की लेके बैठे हैं और आप बैंक रिकंसाइल करने जा रहे हैं 7/5/2021 का। तो डेट का बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है SBI अकाउंट की, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डेट है 27/7/2021 की, मतलब जो हमको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा वो 26/7/2021 का होगा। जब भी हम एंट्रीज को पास करेंगे, चाहे वो पेमेंट की एंट्री हो चाहे रिसिप्ट की एंट्री हो, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस ज़रूर देखेंगे ताकि बाद में हमको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आप पहले ये कन्फर्म करेंगे जिस बैंक अकाउंट को आप रिकंसाइल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो। अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए 26 तारीख का, तो एंडिंग डेट के अंदर हम 26/7/2021 डाल देंगे और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 26/7 के अंदर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो बुक्स के साथ मैच हो रहा है। अब ऐसे ही हमको 27/7/2021 का भी मैच करना है। अब यहाँ पर पहले मैं इन एंट्रीज को पास कर देता हूँ, फिर समझेंगे कि कैसे हमको इसको मैच करना है। जो भी बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगा वो हमारी रिसिप्ट होती हैं और जो भी डेबिट साइड आएगा वो हमारी पेमेंट होती हैं। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 26/7 का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंट्रीज 27/7 या 28/7 के अंदर मिलेंगी आपको। हो सकता है सेम डेट पर भी हों और हो सकता है कि आगे किसी भी नेक्स्ट डेट पर हों। आपको बस ओपनिंग मैच करना है और जो एंट्रीज आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिखेंगी वो सिंपल आपको पास करनी है। जब दोनों बैलेंस मैच हो जाएं तो इन एंट्रीज को हम क्लियर करेंगे। जैसा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो भी एंट्री पास करी वो अभी नॉट क्लियर के अंदर है। अब यहाँ पर पहले हम क्लियर और नॉट क्लियर को समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दृष्टि एंटरप्राइजेस हमको 24 तारीख को कहती है कि हमने आपकी पेमेंट करा दी है और आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देती है, और साथ ही साथ यह कहती है कि हमको हमारा जो भी पेंडिंग बैलेंस बचता है वो आप हमको अकाउंट स्टेटमेंट मेल कर दो। यहाँ पर आप इस एंट्री को पास करेंगे 24 तारीख के अंदर, पर अभी तक ये अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ। तो जब तक ये अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होता तब तक ये एंट्री नॉट क्लियर के अंदर रहेगी। जैसे ही ये अमाउंट हमको रिसीव होता है हमारे अकाउंट के अंदर, इसको हम क्लियर कर देंगे कि ये एंट्री अब हमको रिसीव हो चुकी है, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इनको क्लियर करने के लिए इनको ओपन करेंगे। जो एंट्री हमको रिसीव होगी उस एंट्री पर जाकर
F4 प्रेस करेंगे और क्लियर फुल वाउचर को यस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर वो एंट्रीज हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। सारी एंट्रीज क्लियर हो जाने के बाद आपका ये और ये अमाउंट मैच होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट से। वहीं अगर कुछ एंट्रीज आपकी क्लियर नहीं होती हैं तब हम अपने एक्चुअल बैंक बैलेंस को मैच करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट से। आज के इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।